प्रदर्शन में जुटे हैं। आपको बता दें कि आज 12 तारीख है और आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी शिक्षकों की तरफ से, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले आपको, शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन, एक कैंडिडेट एक रिजल्ट की मांग है इन शिक्षक अभ्यर्थियों का। बताते चले आपको, बीपीएससी ऑफिस के बाहर जो प्रदर्शनकारी शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों से अपील थी कि वो आज प्रदर्शन में भाग लें। बताते चले आपको, पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी करने की मांग हो रही है। छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि शिक्षक बहाली फेज वन और फेज टू में मल्टीपल रिजल्ट दिया गया था और इसकी वजह से ही हजारों सीट जो है खाली रह गई। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि टीआरई थ्री की शिक्षक बहाली में ऐसा नहीं होना चाहिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी करने की मांग इनकी लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए खबर आ रही है कि प्रदर्शन कर रहे हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस के बाहर में, क्या जानकारी मिल रही है? जी, बीपीएससी कार्यालय से पहले ही छात्रों को पुलिस ने रोक दिया था, छात्रों की संख्या काफी थी और ये एक कैंडिडेट एक रिजल्ट की मांग कर रहे थे। बीपीएससी ट्राई थ्री के कैंडिडेट है और इन लोग आरक्षण, जो बिहार सरकार आरक्षण के नियम है, उस आरक्षण के हिसाब से जो पोस्ट है, जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट देने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर इन लोग का प्रदर्शन था। जिस तरह से आरक्षण को ध्यान में रखते हुए टीआरआई फर्स्ट और टीआरआई का जो परिणाम है उसको भी ये फिर से जारी करने की मांग कर रहे हैं और ये काफी संख्या में आज जो लोग बीपीएससी की तरफ बढ़ रहे थे, दूर में ही बीपीएससी से दूर ही इनको रोका गया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और नहीं रुकने पर लाठीचार्ज कर छात्रों को यहाँ से हटाने की कोशिश की। फिलहाल स्थिति बनी हुई है, कंट्रोल में है, पुलिस छात्रों को रोक के रखी है और छात्र हैं कि लगातार प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। जी धर्मेंद्र, लाठीचार्ज की भी खबर सामने आ रही है, तो अभी क्या स्थिति है, क्या प्रदर्शन वहां पर जारी है या सभी को रोक दिया गया है? प्रदर्शन अभी भी जारी है, पुलिस छात्रों को रोक के रखी है, बीपीएससी के पास छात्र नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही छात्रों को रोका गया है और काफी संख्या में छात्र है, हालांकि पुलिस बल भी काफी